बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंट WB बाय हिमानी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का अहम तरीन दिन होगा कल, जब PSL 6 का फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम मुल्तान सुल्तान और इस टूर्नामेंट में चौथी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम पिशावर जलमी के दरमियान। पिशावर जलमी ने कमाल कर दिया, कराची किंग्स को पछाड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि PSL 6 की सबसे कामयाब टीम थी, 10 में से 8 मैचेस जीते। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि अदरवाइज PSL की सबसे कामयाब टीम है, जिसने 2 टाइटल जीते हैं, उन दोनों टीम्स को हराया पिशावर जलमी ने। और यूं PSL के 6 फाइनल्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे फाइनल्स हैं जो पिशावर ने नहीं खेले और 4 फाइनल्स खेले हैं। क्या बात है, तो देखते हैं क्या होता है। और आज दुनिया क्रिकेट का यूं भी आज एक अहम दिन है कि आप जानते हैं, जिस तरह वर्ल्ड T20 होता है, जिसे हम T20 वर्ल्ड कप कहते हैं, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, इसी अंदाज से ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराई, जिसका रिजल्ट अब से कुछ लम्हात पहले आया है। और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब से कुछ देर कबल एक मुकाबले में, जो कि आखिर में एकतरफा हो गया, न्यूजीलैंड ने जीत लिया भारत को शिकस्त देने के बाद। तो यूं क्रिकेट की तारीख में आज का दिन लिखा जाएगा। 1975 जब वनडे इंटरनेशनल का पहला वर्ल्ड कप हुआ, वो जीता वेस्ट इंडीज ने। 2007 जब पहला वर्ल्ड T20 हुआ, वो जीता इंडिया ने। और 2021 जब पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, वो जीत ली है न्यूजीलैंड ने। बहुत सारी तालियां तीनों टीमों के लिए। और हम हमेशा जरा क्रिकेट का तज्जिया लेते हैं और उसके बाद मेहमान की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे आज की मेहमान शख्सियत ऐसे हैं कि भाई, मतलब उनका तारुफ पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद दुनिया क्रिकेट की मायानास तरीन शख्सियत है। और उनके तारुफ में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं, आप सब उनके काम से वाकिफ़ हैं, आप सब उनकी शख्सियत के मद्दा हैं, आप सब उनके काम के मद्दा हैं। और अगर मैं रिकॉर्ड बताना शुरू करूँ तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, यानी पाकिस्तान में एक ही खिलाड़ी जिसको एजाज़ हासिल है कि उसने टेस्ट मैचेस में 10,000 रन बनाए, वो ये हैं। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले वो ये हैं। दुनियाए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी के जिनको हर मुल्क के खिलाफ सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल है, वो ये हैं। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जिसको हर मुल्क के खिलाफ सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल है, वो ये हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीता, वो ये हैं इनकी कप्तानी में। तो मैं और क्या कहूं, फखरे पाकिस्तान यूनुस खान हमारे साथ है। क्या बात है, यानी सर कोई आदमी कभी कोई आदमी इतने रिकॉर्ड भी बनाते हैं कि मतलब मेरा ये रिकॉर्ड बनाते बताते हुए वो साथ खुल जाए बंदे। मेरा खड़े होने का मकसद ये था, एक तो मेरी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला प्लेयर है जिसने 10,000 रन किए। क्या बात, माशाल्लाह सर, क्या हाल है यूनुस भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप, ठीक ठाक? सब जरूर सिंह भाई, बड़े वैसे ही क्या राज है, मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे यूनुस भाई से जब भी मिलो जितने भी सालों बाद, वैसे ही चाको चौबन तवाना माशाल्लाह। देखो खास वजह नहीं, बस कोशिश करते हैं कि एक्टिव रहें और थोड़ा बहुत काम करते रहें बस। ओके। और सर ये PSL पे तो आप बताएं ना, कल पेशावर, आपको शुरू में लगता था कि PSL का फाइनल ये दो टीमें खेल रही होंगी, पेशावर और मुल्तान? जिस तरह ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो मुल्तान सुल्तान ठीक है, लास्ट सीजन में बहुत अच्छा खेली थी, और वो डिजर्व करती थी कि वो आगे आए और विन करे, सही है, लेकिन फाइनल्स में आके वो थोड़ा सा चौक कर गए। हाँ। लेकिन इस वक्त नहीं लग रहा था कि यह फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन ये T20 की ब्यूटी ये है कि जैसे ही आप पिक करते हैं और खास तौर पे जब सेकंड हाफ में पिक करते हो, हाँ, तो आप आगे निकल जाते हैं। तो सर अब यूनुस खान को क्या लगता है कि PSL 6 की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाने वाली है?
देखिए मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान को विनर होना चाहिए, अच्छा, लेकिन, हाँ। लेकिन 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 पेशावर जलमी जो है वो बहुत अच्छी शेप में लग रही है और उनके चांसेस ज्यादा है, लेकिन मुल्तान सुल्तान क्योंकि लास्ट सीजन से डिजर्व करते हैं हाँ। तो वो उनको जीतना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जलमी बहुत अच्छे शेप में लग रही है इस वक्त। अच्छा ओके ठीक है, राशिद भाई आपको क्या लगता है? सर दो मैच जो पिछले खेले हैं जलमी ने हाँ। उसने अपना गियर चेंज किया, लग नहीं रहा था ये फाइनल में जाएगी हाँ। क्योंकि कराची किंग वाला मैच भी कराची किंग को जीतना चाहिए था, ख्वाहिश थी हमारी हाँ। लेकिन वो जीते, और लेकिन लास्ट जो कल का जो मैच है ना वो आउटस्टैंडिंग खेले ये लोग, वन साइडेड मैच है, सही है। लग ये रहा है कि मुल्तान, लेकिन मुझे लगता है कि जलमी। अच्छा आपको लगता है जलमी जीतेगी? मैं चाहता हूँ उलट हो जाए ना फिर। अच्छा ठीक है, लेकिन तनवीर भाई जलमी लगता है। पेशावर अच्छा खेल रही है एज ए टीम या जज़ई अच्छा खेल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? जब कोई टीम जीत रही है तो इसका वो तो जाहिर अच्छा है, लेकिन ये एक यानी एक बुनियाद पे खड़ी है या नहीं? पूरा यूनिट अच्छा जज़ई के दो मैचेस हो गए, एक कराची और एक कल का जो मैच था, और जज़ई ने वैसे चार मैचेस खेले पीएसएल 6 में, तीन में मैन ऑफ द मैच है। मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जज़ई को जरा क्लेवर होकर आप बॉलिंग करें वो आउट हो सकते हैं जल्दी। अच्छा उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, छक्के बड़े मार सकते हैं, सब कुछ है, सही है। अगर जरा अच्छे तरीके से बॉलिंग करे, उसको सोच समझ के करे, एक एक ही उसका एरिया जिसपे वो मारी जा रहा, आप सारे उधर ही बॉल उसको किए जा रहे हो। अच्छा ना ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं, अगर ओवर द विकेट नहीं हो रही राउंड द विकेट चले जाओ, उसको स्लो वन बाउंसर्स कर दो, ऊपर से बाउंसर गुजारो, स्लो वन करो, ऑफ स्टंप से बाहर करो, वो खेल ही नहीं पा रहा कुछ भी। इस तरह सेंचुरी कर देगा वो? नहीं करेगा नहीं करेगा, गलती तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं ना, जिसकी वजह से। बाकी आपने एक बात, आपको पता है मैं क्रिकेट की बोर्ड की तरफ से, ये कैसे बोल दिया कि यूनुस आपकी फील्ड का है? मेरी फील्ड का है, हमारी फील्ड तो यार क्रिकेट से तनवीर भाई कच्चे खेलते रहेंगे, डायरेक्ट क्रिकेटर ही है ना। नहीं देखिए तनवीर को बिल्कुल भी वो ना करें, तनवीर हमारा क्लब क्रिकेट हमारे साथ है तनवीर भाई, और हम बहुत ज्यादा हम साथ खेलते हैं, मैं myself राशिद भाई और तनवीर भाई एक ही क्लब से खेलते रहे मलेर जिमखाना से। अच्छा हाँ। और बहुत पैशनेट होके हम क्रिकेट खेलते थे, खास तौर पे क्लब क्रिकेट, जबकि हम इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे होते थे, सही है। लेकिन जब हम क्लब के मैचेस खेले जाते तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई क्लब का मैच है, बिल्कुल इंटरनेशनल ही की तरह लग रहे थे। हमारी हम खेले पाकिस्तान, लेकिन हमारी थोड़ी सी बैड लग रही है, हम बहुत लेट खेले हाँ। शायद अगर हम जल्दी खेलते तो हम लोग भी यूनुस भाई के साथ ही इतना अरसा क्रिकेट खेले। एक मैच हुआ था हमारा क्लब का हाँ। जहाँ पे यूनुस पाकिस्तान टीम का कप्तान था, मलिर जिमखाना की कप्तानी, और तनवीर बॉल कर रहे थे। अच्छा और ये इम्प्रेस करने के लिए इतनी तेज बॉलिंग की है ना। अच्छा पांच विकेट ली उसके बाद ये पाकिस्तान टीम में गए। अरे ओके एक आखिरी बात, जो अभी आपने यूनुस भाई के इतने रिकॉर्ड गिनाए ना, मेरा सांस भूल गया, आपने बोला इनका रिकॉर्ड ये है, जो के वो ये है, तो क्रिकेट बोर्ड को भी जो बंदा नहीं पसंद है वो ये है भाई यार, यार। मैं आपको तनवीर का रिकॉर्ड बताऊं, तनवीर भाई का पहले टेस्ट मैच की पहले ओवर में आउट किया, फिर वनडे के मैच में पहले ओवर में आउट किया, फिर टी20 के पहले मैच में, और वो सारे मैच में खेल रहा था, सारे मैच में, उन सारे मैचों का मैं पार्ट था। आज खबरदार जो तनवीर भाई, मेरे एक भी बात नहीं, मैं खबरदार, मैं आज यूनुस भाई से नॉट पड़ा सपोर्ट, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात ये है जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स थे ना, सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस से वो खुश हो रहे थे बस भाई। मेरे पास दो बातें करने के लिए, क्योंकि आज सबको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है क्योंकि बनती है। यूनुस सर आपने तनवीर भाई के रिकॉर्ड गिनवाए, एक रिकॉर्ड आपने नहीं गिनवाया क्योंकि नहीं मजाक नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि आखिरी शो है, आपने सारा बताया कि भाई इतनी विकेट नहीं, आपने एक चीज नहीं बताई, शायद आप पे होंगे, परसों कुन्ना लाए थे, अकेले खा गए 2 किलो कुन्ना, एक ये रिकॉर्ड है इनके। अच्छा एक मिनट, अब इनको प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कुन्ना लेके आया, इनको बताया नहीं, आपने तो एक हफ्ते से मैं कह रहे हैं बीफ की बिरयानी खिलाऊंगा, कहां है बिरयानी? अरे भाई अच्छा ठीक है, कुन्ना और बिरयानी, और एक और बिरयानी, यूनुस सर से एक शिकायत, क्या आपने आते बोला कि सर हम आपको जब से देख रहे हैं आप वैसे ही हैं, फिट हैं, ये हैं वो हैं, ये कैसे करते हैं आप हाँ। आपने तनवीर भाई को नहीं कहा कि जिस दिन से माशाल्लाह उन्होंने क्रिकेट का आगाज किया हाँ। आज तक वो वैसे के वैसे दिखते हैं, पता क्यों? क्यों? यही तो मसला है ना, तनवीर भाई से आपने नहीं पूछा क्या वजह है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मेकअप आर्टिस्ट चेंज नहीं किया, आज तक वही बेस लग रही है। राशिद भाई मुझे बताया, फिर मैं यूनुस भाई तफसीली बात करेंगे। भाई जान पीएसएल खत्म हो रहा है, टीम आगे निकल रही है, अब आगे दो इनिंग्स हैं, दो टूर्स हैं, ये इतनी जल्दबाजी नहीं हो गई T20 का स्क्वाड अनाउंस करने में? बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे नहीं है जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है और अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और वाइस वर्सा जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ है स्क्वाड का, बिल्कुल तो अगर थोड़ी सी ताखीर से कर दिया था अनाउंसमेंट तो आधी टीम रुक जाती है, और जो हाँ
वो किसी ने ट्वीट किया कि पीएसएल खत्म हो गए, जिन्हें घर जाना था वो बाहर जा रहे हैं, जिन्हें बाहर जाना था वो घर जा रहे हैं। बहुत जल्दी कर दी, एक हफ्ता रुक सकते थे। सोहेब मकसूद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा धानी है टी20 वाले स्क्वाड में, नहीं टेस्ट मैच में टी20 में नहीं, टीम के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टीम के बाहर रियाज है टी20 वाले स्क्वाड में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो मतलब और क्या? असल में पीएसएल, असल में ये जो है ना सबसे अच्छा क्या मारने वाला है सोहेब मकसूद, तीसरे नंबर। हां असल में पीएसएल से पहले जो टीम अनाउंस हुई है, हाँ, अगर वो हुई है सारी पर्चियों डंडे वालों की वजह से, ठीक है, माजरत के साथ पर्चियां डंडे खुले चले हैं, ठीक है। बात ये है कि वो जो पर्चियों वाले हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने, मैं 36 दफा नाम ले चुका, अब मेरा नाम भी दिल नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं सुने, अब मैं बार बार नाम लूंगा, एक मिनट रुक, एक मिनट, अब मैं बार बार नाम लूंगा तो मेरा वजन भी बढ़ जाएगा, मैं इस वजह से नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। अब वो जो पर्चियों डंडे वाले सिलेक्ट हुए, वो पीएसएल में अगर परफॉर्मेंस उनकी नहीं होती तो वो नहीं सिलेक्ट होते। डंडे से तो, क्या मतलब है? तो मसला ये है, पर्ची तो मैं समझ आ गया, पर्चियां फोन पे बोल बोल के इसको ले लो उसको ले लो, नहीं वो पूछ रहे हैं डंडे से क्या, तो डंडे से ही होता है ना, और क्या होता है इसको, ये तो इनका जारहाना तजिया हो गया। आपका क्या तजिया है? किसी लिहाज से तनवीर की बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे कल्चर है ऐसा, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इस कल्चर से हम लोग आए और हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं और यूनुस ने क़यादत की है और बहुत सारी टीमें हमारे आंखों के सामने बनी है, सही है। बहुत सारे प्लेयर्स ज़ाया कर दिए हमारे मुल्क ने, बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं, जो अच्छा खेले उनसे बहुत अच्छे थे। ये अलमिया है, इसको हम सही करें, इसीलिए हम बतदरीज नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सिलेक्शन में है प्रॉब्लम, और अफसोस की ग्रैम बेल जो बना हुआ है ना, ये फोन इसने तबाही की हुई है। बात यही है कि फोन के ऊपर हमारी टीम, और अफसोस की बात ये रहेगी सारी जिंदगी मेरे लिए, क्योंकि मैं जो अपने सीनियर उनसे जाहिर सी बात जूनियर हूँ, मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा हमारी क्रिकेट खराब करने में। ये जितने बड़े बड़े हमारे नाम हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको देख के हमने क्रिकेट स्टार्ट की, कसम से इन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया ना पाकिस्तान क्रिकेट का, किसी ने भी नहीं किया। पानी पानी मिलाया नहीं, ठीक, पॉइंट एक। नाजरीन इस बात के बाद यूनुस भाई से मैं आगे बात करूंगा अगले सर आप क्या, हाँ मैं ये कहने लगा था नाजरीन इसके बाद ऐसा हो सकता है कि अगले सेगमेंट में एक रेसलिंग का मैच हो, यूनुस भाई तनवीर भाई को मार रहे हो। मेहमान बहुत जरूरी है, आज जो दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आज इधर इतना बड़ा मेहमान है तो फिर यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़े मेहमान की बात है ना। ये वो लोग हैं जिनको पूरा एयरवाई, पूरा सिंध पंजाब पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एयरवाई आता है वहाँ के लोग इनको देख देख के मतलब मशहूर हो गए हैं। मशहूर नहीं हो गए, बोर हो चुके हैं ये। अरे सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, आप लोग की भरपूर तालियों में मेरे साथ मौजूद है चप्पू दो धड़वे, और उनके साथ मौजूद है गुर्दा नादिमाबादी। दोनों मशहूर, दोनों शहरों को ले आया। दोनों की बात तो है, वसीम मुझे बताओ जल्दी में आया आज क्या? मैं हूँ क्यों, शर्ट के बटन नहीं बन के जल्दी में पहने ऐसे जल्दी में निकल। दूसरा तन्नों को मैंने देखा, बड़ी अजीब और गरीब बात है सर। आप फिर अब ऊपर जवाब देंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो बात ऐसी है, मैं कह रहा हूँ कंटेंट शोएब अख्तर का, शक्ल तन्नों की समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। खैर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो आज लोगों को समझ तो आ रहा हूँ ना, बिल्कुल समझ आ रहा है, ये आना चाहिए बस। अब बात ऐसी है कि आज का कलाम अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं, और अगर इजाजत ना हो तो इससे सुन लो। असल में मेरे बारे में ये बहुत मशहूर हो गया इधर कि जी मेरी शायरी बहुत किडिश है। मैं वाकई यार आप पेंसिल कैंसिल पता नहीं क्या है, आड़ू लगा दो झाड़ू, ये बच्चे भी हंस रहे थे। और मैंने कहा आखिरी क्योंकि शो चल रहे हैं तो मैं जरा मैच्योर सी शायरी लेके आऊँ प्लीज। बिल्कुल, कोई बचकाना शायरी, थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं तो समझने में थोड़ा सा होगा, समझ लेंगे। शायर फरमाते हैं कि डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, यार ये तो सबसे पुराना शेर यही है तारीख का। क्या है इसमें? डब्बे में डब्बा अहमद शाह लाखों में, वसीम भाई लाखों में, यही तो आप में हमें फर्क है, हमारा फ्रेश है। अच्छा? आपका पुराना है, हमारा फ्रेश है। शायर कहते हैं कि डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, तनवीर भाई के पास है मोजे सिर्फ एक। एक मिनट, क्या कर रहे हैं?
वाकई मुझे पता चल गया कि बार बार कह रहे हैं कि आज आखिरी शो है, हालांकि कल भी एक शो बाकी है। इनके लगता है नजरें खराब हो गई भाईजान। कल ब्राउन आज ब्लैक था। ये पहले शो में सफेद थे, पहन पहन के काले कर दिए उन्होंने। पहले शो, अच्छा मेरी उस पे वो क्लैपिंग कर रहे हैं। पहली एक मिनट यार हो गया ना। पहली शो से जीन्स एक ही पहनी हुई है इन्होंने। रोज तुमसे मुलाकात हो। ये आपका शेर नहीं है, क्या कर रहे थे यार? मेरा दिल चाह रहा गाना गाने का, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? आप बस जरूरी है कि हम लड़ाई कर ले तो तुम सर, आप शेर सुना सर। अच्छा चलो हाँ। भाई अर्ज क्या है कि सफरनामा सुना दूं। हाँ, सफर जरा कुछ गवार बात है। ठीक है, बहुत बात है। चिलास से गिलगित यूनुस भाई तवज्जो। चिलास से गिलगित, गिलगित से हुंजा, हुंजा से खुंजरा। अरे वाह, चिलास से गिलगित, मैं भी गया था। गिलगित से हुंजा, हुंजा से खुंजरा, कोई खुदा के वास्ते ला दे तलवीर को नहीं जुराब। और उसमें जुराब नहीं होगा। मेरी गुजारिश है रोमांटिक वाला। अच्छा, इसमें जुराब नहीं होगी। रोमांटिक शेर लव जुराब नहीं आएगा। ये मैं बड़ी सीरियस नहीं कह रहा हूँ। लव रोमांटिक शेर होगा और लव जुराब नहीं आएगा। सुना है, रात देखा भयानक ख्वाब, दिल ने कहा करवट बदल ले। रात देखा भयानक ख्वाब, दिल ने कहा करवट बदल ले। तनवीर उधार ले यार, मोदे बदल ले। मैंने आपसे यार वसीम भाई मारो। पहले मैं यार वसीम भाई, भाई शलवार के साथ कौन टी शर्ट पहनता है? ना ना ना, ये नहीं हो रहा भाई। सर मैंने आपसे कहा था लव जुराब नहीं आएगा। अच्छा यार, तुम सर, बात तो वही हो गई ना सर। सॉरी। अच्छा मुझे लास्ट मिनट आप ब्रेक लेना। अच्छा भाई देखो, एक तरन्नुम में होती बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में के झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। बजाओ भाई। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। वसीम अहमद शाह से हारेगा तो देखते रहियो। 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 कल की प्रेडिक्शन दिखाएं, कल की प्रेडिक्शन दिखाएं जल्दी से, फिर ब्रेक पे जाएं यार। पॉइंट्स टेबल हटाएं, प्रेडिक्शन दिखाएं जरा कल की। बस वसीम बहुत दिखा रहे। डॉक्टर साहब, अगर कल हुआ इस्लामाबाद वर्सेस कराची तो कौन जीतेगा आपके ख्याल में? इस्लामाबाद। अच्छा, और अगर हुआ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर तो कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। अच्छा, आप हूं तो उसी कराची गया ही दे हो। कह दूं कह रहा तो मैं कराची गया था। मैंने ओ भाई, मैंने कल कहा है पेशावर जीतेगा? नहीं दिखा रहा भाई। चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ। आप देखें सिर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन मोमेंट। आप देख रहे हैं कोको कोला लंबा पुरजोश। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब अली, आप देख रहे हैं कोका कोला आलमपुर जोश। हमारे साथ दो लेजेंड्स मौजूद हैं। हमने गुजारिश की हमारे हरदिल अजीज, पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का मायानाज विकेट कीपर, पाकिस्तान का लेजेंड जिसकी पाकिस्तान के लिए खिदमात थी और अभी भी हैं और जारी रहेंगी। यानी हमने यूनुस भाई के हमरा गुजारिश की जनाब राशिद लतीफ़ साहब से कि हमारे दर साथ आज इस सेगमेंट में तशरीफ़ रखें। तो क्या बात है सर,
आज ये फ्रेम बड़ा रिच है आज का हमारा। एक मिनट, ये मोबाइल तो रखे यार। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? मोबाइल रखो। क्या हो गया तन्वीर? तुम भी नहीं, मैंने तो रखा साइड पर रखा हुआ है। मोबाइल मोबाइल रखो। वीडियो बना रहा हूँ, बाद में लीक कर दूंगा। क्या भाई, वैसे ऑन एयर जा रहा है जरा। अच्छा, हम तो फोन पे शो नहीं देखे। तो सर यूनुस भाई, खैरियत से आप? ठीक ठाक। यूनुस भाई ने कल मुझसे कहा कि एक एपिसोड था वो 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी का एपिसोड चल रहा है, आपने सबका मौकफ ले लिया उस पर। वो एक चैंपियंस ट्रॉफी का एक वाकया हुआ था ना, मेरा वर्जन रहता है उसमें, खाली यूनुस भाई का वर्जन। उसके बाद उसके आगे की दास्तान मुझसे। अच्छा अच्छा, बस मैंने यूनुस भाई से ही कहा आगे ना वो दास्तान मुकम्मल कर। उसमें बहुत सारी बातें होनी, आज ना करें, वो बहुत लंबा, वो वन टू वन जरा अच्छा वाला। कल कर लेते हैं, कल 2 घंटे का शो है। नहीं नहीं, कल कर लेते हैं। तो भाई मतलब खाली वो व्यूअर्स को रिवाइंड कराने के लिए, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, सब साउथ अफ्रीका गए थे, और फिर उसमें एक बात के सामने है कि जनाब बहुत सारे खिलाड़ी, यूनुस भाई कप्तान थे उसमें, कि बहुत सारे खिलाड़ी, 10 से ज्यादा खिलाड़ी एक कमरे में जमा हुए। कुरान पे हलफ लिया गया कि मैं यूनुस के साथ नहीं खेल सकते, यूनुस की कप्तानी में नहीं खेल सकते, और वो सारी बातें। फिर हमने यहाँ उन टीम के मुख्तलिफ किरदारों को बुलाया, सब ने अपनी अपनी दास्तान बताई। उसका खुलासा ये था कि सबने कहा, सब ने माना कि हाँ ये वाकया तो हुआ था, हम जमा भी हुए थे, कुरान पे हलफ भी लिया गया था, ये भी हलफ लिया गया था कि बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी, और ये कहा गया था कि भाई हम यूनुस भाई के साथ खेलने में कंफर्टेबल नहीं है, ये हम बता देंगे मैनेजमेंट को जाके वहां पे। अब यूनुस भाई उसके बाद क्या हुआ, दास्तान को मुकम्मल कर देंगे, यहाँ क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? फिर वो सब बेचारे ड्रॉप हो गए। कितने ड्रॉप हुए? मैं खेलता रहा और वो सब ड्रॉप हो गए। हाँ, लेकिन आपने, लेकिन जो कैप्टनसी छोड़ दी थी आपने भी ना? मैं तो देखे, मैं तो खुद कैप्टनसी छोड़ दी थी ना वो, और उसकी रीजन यही खबरें आना थी कि खिलाड़ियों ने सब। उसकी रीजन मैं अभी आपको बताऊं डिटेल में, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, ये हुआ ये कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद चेयरमैन थे उस वक्त इजाज भट्ट साहब, मैनेजर यावर साहब थे, इजाज भट्ट साहब थे, और उनसे जब ये मैंने, खिलाड़ियों ने भी कहा उनसे, ये चैंपियन ट्रॉफी की बात है। जा, जा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि, उन्होंने कहा जी कि, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई अगर मुझे कैप्टनसी अब आपने देनी है, क्योंकि पहले तो मुझे रिक्वेस्ट की गई मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, उन्होंने मैसेजेस करिए कि यार ये कैप्टनसी ले लें, क्योंकि मैं हमेशा, अगर आप मेरा पास देखो तो 4 दफ़ा मैं कैप्टनसी छोड़ चुका था। याद है, मैं कभी भी नहीं आता था, मुझे पता था कि कैप्टनसी आएगी तो फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मैं नहीं चाहता था कि, मैं चाहता था कि मैं अपनी क्रिकेट को अपना कैरियर बनाऊँ और मुल्क के लिए, टीम के लिए परफॉर्मेंस करूँ, क्योंकि मैं बस बेहतर सा प्लेयर था कि मैं समझता था अगर मैं खेलूँगा, आराम से खेलूँगा, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, जो फिर मैंने बाद में अचीव किया। तो भट्ट साहब से ये बात हुई, जब उनसे मेरी मीटिंग हुई इसकर सारी कंट्रोवर्सी के बाद, कि आप मुझे कैप्टन अनाउंस करें 2011 वर्ल्ड कप तक का। अच्छा। वो जो कि उन्होंने अनाउंस किया, और अगर मैं लड़कों को इकट्ठा नहीं कर सका तो मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा। ओके जी। ये जब हम गए, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज थी, जो वन डेज हमारे हुए थे उस वक्त, वो आपने पहले तो कप्तानी छोड़ दी ना, फौरी बात तो कप्तानी छोड़ दी थी ना, चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद। वो मैंने रिजाइन दिया, जो कि उन्होंने मुझे वापस कैप्टन बना दिया। सही है। जब मैं वहां से कंट्रोवर्सी भरी कि कोई एक आधा मैच फिक्स हो गया, मुझसे कैच ड्रॉप हो गया, सब चीजें जब आपके अगेंस्ट चली जाती है तो फिर इस तरह होता है। तो फिर मैंने जब देखा कि लड़के इकट्ठे नहीं है, तो मैंने कैप्टनसी अबू धाबी में मैचेस थे, तो मैं वहां से छोड़ के वापस आ गया, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मसले मसाइल शुरू। और लड़के क्यों इकट्ठे नहीं थे, क्या मसला था? इनके पीछे ना हमारे पुराने टेस्ट प्लेयर मौजूद थे, पसे पर्दा उनका काम था। लड़के जो प्लेयर होते हैं ना, वो मोहरे होते हैं। अच्छा। शतरंज के मोहरे देखे होंगे आप, चला पे और रहा होता है। तो वो प्यादे बन के आगे वजीर बनते हैं, पीला बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, तो वो बनते हैं। वो तीन लोग पसे पर्दा जो थे, वो अभी 3 फ्रेंचाइज चला रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, PSL के। अच्छा। और मेरे ख्याल से देखे, जिनको आपने बुलाया था वो नहीं थे उसके पीछे, खेलना क्यों, 90s के लेजेंड्स थे वो। अच्छा, ओके। खेलना क्यों नहीं चाहते थे, ये तो उन्होंने आपको बता ही दिया होगा कि खेलना, मैं बहुत सख्त था। ये कहा यहाँ पे, बहुत सख्त था यहाँ पे, सईद अजमल बैठे, यहाँ पे शाहिद अफरीदी बैठे, बहुत सख्त था, मोहम्मद यूसुफ बैठे, कामरान अकमल, उस टीम में से उन चारों ने कहा कि हाँ, उन 10 खिलाड़ियों में से हम थे जिन्होंने कहा था कि यूनुस के साथ नहीं खेल सकते, और सबने कहा कि इसकी वजह ये थी कि यूनुस भाई जो है ना बहुत सख्त है, बहुत गुस्सा। अच्छा, मैं सख्त क्या थे, ये क्या बोल रहे, ये खेलते नहीं थे, खेलते नहीं थे, यानी ये मैं क्रिकेट खेलते थे, दूसरा गेम नहीं खेलते थे। सख्त क्या थे, मतलब सख्त क्या हो सकते, मैं बहुत ज़रा डांटते थे किसी एक ने कभी मैच में देखा, सिवा एक मैच के, वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब मोहम्मद आमिर वो स्टंप पे नहीं है, एक वहां मैंने गुस्सा किया था, वो इतना तो जाहिर है। इसके अलावा मैं कहां गुस्सा कहीं देखा आपने? तो फिर क्या वजह हुई कि इतनी इस हद तक बात आ गई कि 10 खिलाड़ी कुरान पे हलफ लेके जमा हो गए? अच्छा, वो कुरान भी हुआ कि मुझसे लेके गए थे वो कुरान आपसे लेके गए थे जी, उसके बाद मैंने कुरान रखना छोड़ दिया। वो कुरान आपका कैप्टन
मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं मुसल्ले पे बैठूँ, मैं ऐसे कोई बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक कैप्टन आपका कुरान हाँ लेके चलता है, बैकपैक में लेके चलता है, सुबह मैच खेलने जाता है तो कुरान जाओ करता है, लड़कों को कहता है जी जो करना है आप करते रहो, खुदारा जब आप ग्राउंड में आए हो तो 6-7 घंटे जो है वो पाकिस्तान के, क्योंकि इतने सारे करोड़ों आवाम बैठी हुई है, एक लम्हा वो उनका है, तो ये मैं सख्त हूँ। लेकिन ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो कुरान जिस पे ये हलफ लिया गया उसके बाद मैंने छोड़ना रखना छोड़ दिया, यानी इसलिए रखना छोड़ दिया, यानी इस लिहाज से आई एम श्योर आप कुरान के कारी तो अभी भी हैं, इसलिए रखना छोड़ दिया कि ये कुरान हम इसी हाथ रखने के लिए होना चाहिए, इससे बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम उधर बैठो मैं संभाल लूंगा। यूसुफ ने यहाँ पे ये कहा, यूसुफ भाई ने, कि जब वो सारे लड़के बैठे थे तब तक कुरान पाक नहीं आया था, फिर जब ये बात हुई कि आफरीदी को भी बुला लो, तब शोएब मलिक साहब ने कहा कि भाई फिर कुरान भी मंगवा लो, हलफ ले लो, क्यों वाइज ये बात बाहर ना। यूसुफ साहब के मुताबिक इसलिए कुरान मंगवा लो कि हलफ ले लो कोट अनकोट मोहम्मद यूसुफ के, फिर आफरीदी पीछे ना हट जाए इस सबसे, इसलिए कुरान पे हलफ ले लो। देखिए आपस में कोई मसला था उनका ना, तो मेरा तो कोई मसला नहीं था ना, मैं तो अगर देखिए यहाँ से कुरान किसने मांगा था ये छोड़ दें अभी। एक जूनियर प्लेयर आया था उसका नहीं मेंशन करते, वो छोड़ दें। और यूसुफ भाई कहते हैं कि उस सब का जो आइडिया था ये सारा ये मिसबाह उलग साहब का था, तो आप देखेंगे एक दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे डाल रहा है, कुछ ने तो मैं खास से मैंने देखा ऊपर, कुछ ने तो ये भी कह दिया कि जी मैं तो उसकी बातों में आ गया था, कुछ कह रहा है वो सईद अजमल साहब ने कहा कि मैं क्या करता, मुझे बोला था कि अगर साथ नहीं बैठोगे तो जो है वो तुम टीम में नहीं खेलोगे, बैठ गया मैं। इसका क्या मतलब? यूसुफ भाई ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं क्यों बैठा था उस कमरे। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या मैं बहुत सख्त था? मैं मतलब सख्त था क्या? सख्त था, सख्त क्या हो सकता हूँ मैं, पता नहीं आपके साथ मैं कब से हूँ, सालों से मैं कितना सख्त हूँ, मेरे साथ तो कभी नहीं किया आपने, ठीक है। राशिद भाई मैं कितना सख्त हूँ, लौंडा वैसे तो सख्त है, वैसे लौंडा सख्ती है दूसरे मामला में, दूसरे मरकजी किरदार किसका था, मरकजी किरदार किसका था? देखें ये तो आप मुझे नहीं पता, देखें मैंने तो सिर्फ मैं आपको हकीकत बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया, जो बाहर थे ना वो लोग थे जो आज फ्रेंचाइज चला रहे हैं। देखें दो प्लेयर ऐसे थे जिनके साथ मैंने बात की, जो अच्छा। आप देखें झूठ की झूठ गलत बयान ही नहीं करने चाहिए, अल्लाह को जवाब हुआ ये कि ना उसके बाद की दास्तान ये है कि ये तो ऑफ हो गए, ये तो स्टील मिल में मोबाइल ऑफ किया, एज यूजुअल इनको पता था कि कौन बंदा है जिसको कांटेक्ट करेंगे। कल भी मैं फुटबॉल खेल रहा था, कल भी जब रिजाइन दिया फुटबॉल खेल रहा था, तो वो कह रहे हैं तुम कहां गायब कर दिया फुटबॉल खेल रहे हो, तो मैं कहूं मैं क्या करूं अब छोड़ दिया तो फुटबॉल ही खेलूंगा ना। आपके पास है आपके प्लेयर्स भी आए, इनमें से कुछ प्लेयर्स आए 10 में से, अच्छा उन्होंने कहा यूनुस से रब्ता नहीं हो रहा आप करवा सकते हैं, मैंने कोई रब्ता नहीं कराया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग थे उन्होंने रब्ता किया कि ऐसा ऐसा मसला हो गया आप हल करा दें, लेकिन ये मिलने से बिल्कुल अलग हो गया था, नहीं मिला किसी। ओके और मेरे पास कोई ग्रजेस भी नहीं थी क्योंकि मुझे तो अपने जैसे क्योंकि पहले से ही मैं कायल नहीं था कि मुझे कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कैप्टन बनूंगा तो सबकी राह फिर एक होनी चाहिए, और दैट इज के विन जाना चाहिए, एक विजन एक होना चाहिए और सबका एक, और खासतौर पर सीनियर प्लेयर्स का। मेरा ये हमेशा ये रहा कि अगर मैं सीनियर प्लेयर हूँ चाहे मैं परफॉर्म करूँ ना करूँ मुझे सबसे आगे सफ्त में खड़ा होना है, मुश्किल में खड़ा होना है, तो ये मैं सख्त हूँ। ये लौंडा तो बड़ा सख्त है इस मामले में, बाकी मामला में सख्त नहीं है, ये लचक नहीं है। अच्छा लचक नहीं है, इसमें क्या लचक हो सकती है? बैटिंग कोच का होता क्यों छोड़ दिया? अभी तो छोड़ा, अभी तो कुछ ना, अभी तो खामोश हो जाएगा, नहीं मजा नहीं आ रहा था, चल लेते थोड़ा सा। अच्छा लेकिन पर्सनल रीजंस क्या? मैं एक बात बताऊंगा आपको, बहुत से लोग मुझे शायद कहते हैं कि ये जी बहुत से चीज़ें छोड़ देता है, ये जो अगर मुझे जिस वक्त मैं रिटायर होके आ रहा था उस वक्त भी मैं अभी प्लेन पे था और हमारा राशिद भी हम साथ थे जब लॉर्ड्स पे एक प्रोग्राम हुआ, उस वक्त ही मुझे उस वक्त चेयरमैन ने कहा कि जी आप आएँ और सडनली ये जॉब ले लें, तो 3 साल मैं सोचता रहा हूँ कि मुझे जॉब लेनी है कि नहीं लेनी। 2017 में मैं रिटायर हुआ हूँ और 2020 में मैंने ये जॉब ली, 3 साल मैंने सोचा और मुझे रोज़ रोज़ छोले वाले फ्रूट वाले सब्जी वाले कहते हैं यूनुस भाई कर लो, फिर बोर्ड के लोग कहते हैं कर लो, फिर आपने ज्वाइन किया, फिर मैंने ज्वाइन किया और 6-7 महीने में वापस फिर आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं तो गया था पीसीबी को सहारा देने, अब किसी को मेरा सहारा नहीं चाहिए तो मैं आप यहाँ आ गए वापस आ गए, यही हो सकता है और मैं क्या कह सकता हूँ, और हमें अभी कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि बाहर आके अगर मैं भी बाकियों की तरह बातें करता रहूँ तो वो बुरी बात है, तो इस पर इंशाल्लाह ग्रेजुअली तो 4-6 महीने गुजरेंगे तो फिर बैठेंगे इस पर, फिर बात करेंगे।
एक ब्रेक, मैं ब्रेक ले लूं। और हमारे साथ मौजूद है राशिद भाई और यूनुस खान साहब मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला लंबा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली आप देख रहे हैं कोका कोला लंबा पुरजोश। जाते आते भाई सबसे अहम प्रेडिक्शन, डॉक्टर साहब कौन जीतेगा पीएसएल 6 का फाइनल? वसीम भाई हाँ, अगर मैं कहूंगा ना तो आप भी वही टीम का। अरे मैं अभी कह देता हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ मुल्तान जीतेगा। बताएं अब बताएं, पिशावर। चलो देखते हैं, आप बताएं। मुल्तान, मुल्तान सर दोनों अपनी टीम है यार, ये क्या बात है। एक प्रेडिक्शन तो करनी, प्रेडिक्शन तो करनी पड़ेगी ना भाई। जलमी, जलमी पिशावर सर। मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान। आपको लगता है मुल्तान, ओके। चलो योकर राउंड की जाने बढ़ते हैं भाई। आज योकर और गुगली साथ ही है क्योंकि इतने बड़े लेजेंड हैं तो भाई एक साथ। तो हाँ या ना, मैं राष्ट्रपति साहब हाँ या ना। फिर अक्सर सिलेक्शन के फैसले मीडिया के प्रेशर पर भी हो जाते हैं। हाँ। अच्छा आपका इसमें जवाब हाँ या ना। ठीक है राशिद भाई, आजम खान का सिलेक्शन खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर हुआ है, हाँ या ना? ना, ना। हाँ अच्छा सही है, ओके। यूनुस भाई सर ठीक है, मुझे वापस भी जाना है। कुछ कुछ खाली जगह आपने पुर करनी है भाई, ठीक है। पहले पूछते हैं राशिद भाई से, बासित अली से एक गिला है कि वो डैश है। सॉफ्ट हो गए बहुत, सॉफ्ट हो गए। अच्छा आप साथ हैं, वो सख्त रहे इनकी तरह। बासित की शानी बस था। सही इस तरह वो खेलते थे, ओके ठीक है। मोहम्मद यूसुफ के लिए अगर एक लफ्ज कहना हो तो मैं ये कहूंगा कि वो ये लेजेंड लेजेंड बैट्समैन। और पाकिस्तान की हालिया क्रिकेट टीम का बेहतरीन बैट्समैन डैश है, नाम? मेरे लिए राशिद भाई के लिए। आपके लिए? वैसे तो बाबर आजम है लेकिन इस वक्त जो है मोहम्मद रिजवान जबरदस्त लग रहा है। ओके भाई कुछ तस्वीर है जरा उनको, अगर एक मुफ्त मशवरा देना हो आप लोगों ने। राउंड हमारा रिव्यू दिखाएं, पहली तस्वीर दिखाएं राशिद भाई। मशवरा यार, मशवरा यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इनको अब छोड़ देना चाहिए। इतने सारे लोग जो मैच फिक्सिंग की वो आज चला रहे हैं क्रिकेट, तो फिर इस एक बंदे का क्या कसूर है? क्यों? ओके बिल्कुल ठीक, राइट। जी मेरे पहले पहले सलीम भाई बता दें। सलीम भाई का ये कि मेरे तो उस्तादों में से है, सही है। और मैंने बहुत सीखा, जो एक साल में HBL में खेला सलीम भाई के अंडर में, बहुत हाँ। मैंने बहुत जबरदस्त इनसे सीखा। कैप्टनसी वैसे तो राशिद भाई से बहुत सीखी लेकिन इनके डिसीजन बहुत ही सुकून से बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान, बेस्ट कैप्टन। तो मेरे ख्याल से इनको इनको इनका टाइम हो गया है, इनको जूनियर क्रिकेट वगैरह में होना चाहिए ताकि बहुत कुछ सीखे। जीनियस, राइट, ओके क्या बात। अगली तस्वीर दिखाएं भाई, ये आप बताएं राशिद भाई। अगली तस्वीर दिखा दो भाई, ये क्लीन मैन। अगली तस्वीर दिखा दो भाई। हाँ। क्लीन मैन वो होता है ना, क्या नाम है, मुस्बत हमारे पास। नहीं नहीं मुइन यार, अच्छा कॉम्पिटिटर है, फाइटर। ओके अगली तस्वीर है यूनुस भाई के लिए। लेजेंड ऑफ स्पिनर, बहुत थोड़े अरसे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की इन्होंने पाकिस्तान के लिए, और नंबर वन बॉलर हमारे रहे सारे फॉर्मेट में, लेकिन इनका सेंड ऑफ अच्छा होना चाहिए था। अच्छा यानी हाँ सही, बहुत सारे खिलाड़ियों को शिकवा और जायज़ है मेरा ख्याल है। अगली तस्वीर राशिद भाई के लिए, ये 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल इंडिया के खिलाफ, इस मैच पर एक तबसरा। नहीं 96 का नहीं है सर, ये हमारा मैच है। बैंगलोर वाला नहीं है? नहीं, अच्छा साउथ अफ्रीका। बैंगलोर नहीं, नहीं, साउथ अफ्रीका 2003 है ये, साउथ अफ्रीका है सर। नहीं ये क्वार्टर फाइनल नहीं वर्ल्ड कप, अच्छा मैंने वर्ल्ड कप वाले क्वार्टर फाइनल, साउथ अफ्रीका 2003 है ये। ये राशिद भाई भी खेले और मैं भी खेला, राशिद भाई आपको बॉल लगी थी इस मैच में। ये इसका मैं भी किस्सा सुना दूं, 2003 में वर्ल्ड कप, किस्सा सुनने का टाइम नहीं भाई। इसकी शर्ट, ये इसकी शर्ट, इससे ये ले ले कि ये मैचेस होने चाहिए इस तरह के, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। राशिद भाई ने शर्ट मुझे वकार भाई की लागे दी थी, टेंशन कम हो और यंगस्टर्स और प्लेयर को, खासतौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रमोशन मिले, राइट ओके। और जाते जाते एक मशवरा इनके लिए, अगली तस्वीर राशिद भाई। ये जीनियस यार, इसकी जो काम अभी, मशवरा क्या देंगे? मशवरा इसी तरह काम करते रहो जिस तरह दिलेरी से बैटिंग की है, काम भी दिलेरी से करते रहो जनाब। बिल्कुल, और इनको और अल्लाह और तरक्की दे, और थोड़ा सा जो है क्योंकि एज इनकी हो गई है, मेरी जितनी एज ही हो गई है, थोड़े से अपने डिसीजन जो है वो थोड़े से सोच के करें और अच्छे काम कर सकते हैं। इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बहुत जरूरत है इनकी पॉलिटिक्स में। कौन सी सियासी जमात ज्वाइन करनी चाहिए? अपनी बनाए, अपनी बनाए, ये केपी के थे, ये केपी के थे, एक साथ हो सकते हैं, वोट देंगे, हम साथ होंगे, ओ आप इनके एमएनए का इलेक्शन लड़ लीजिएगा, ये केपी से क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा सही बात है, जबरदस्त।
सर बहुत शुक्रिया सर, ये खुशबुओं का तोहफा है आप दोनों के लिए डब्ल्यू बी भाई हिमानी की जानिब से, हमें बहुत जरूरत है आप दोनों के साथ जाएगा तो ये। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद भाई तो है हमारे साथ इंशाल्लाह, खुशबुओं को सर आपको परसों से, कल आखिरी शो है ना, परसों आपको देंगे सर। चले जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, आपके बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई सर, थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।